हेलो गाइस, मैं आपका साथी संदीप सिंह राणा। जैसे कि आप सभी को पता है कि सरस्वती एकेडमी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप मेरे साथ मैथमेटिक्स पढ़ते हैं और हम जो है नंबर सिस्टम को लेकर चल रहे हैं, जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आज जो है, जैसा कि पिछली वीडियो में आपने देखा कि ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन हमारे पास भी चल रहा था, जिसे गुरुत्तर श्रेणी भी बोला जाता है, तो आज उसी के लेवल का, उसी का सेकंड स्टेप हम बात करेंगे। पिछले में हमने क्या किया था कि हमने लास्ट टर्म निकालने की कोशिश की थी, लेकिन इस वाली वीडियो के अंदर हम क्या करने वाले हैं कि जो सम होता है ना, यानी कि पूरी की पूरी जितनी भी हमारे पास में टर्म्स लिखी होती है, सभी टर्म्स का मुझे सम निकालना होता है, तो किस तरीके से निकाल सकते हैं। बहुत ईजी वे के अंदर हम सीखेंगे कैसे फॉर्मूला होता है, कैसे हम इसको कर सकते हैं, कैसे डायरेक्ट कर सकते हैं, कैसे ऑप्शन की मदद से कर सकते हैं। तो काफ़ी सारी चीज़ें जो है इस वीडियो में आपको सीखने को मिलेगी। तो जैसे मैंने बताया, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है गाइज। SSC के अंदर इसमें से क्वेश्चन आता ही आता है, और उसके बाद में जो बच्चा UPSC के लिए या फिर PCS के लिए तैयारी कर रहा है, या फिर हरियाणा के या फिर कोई भी अदर एग्जाम्स के लिए जो तैयारी कर रहा है, उसमें भी इसको बार बार पूछा गया है। ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन से एक क्वेश्चन जरूर आता है, तो कम से कम 10 साल में 6 से 7 बार ये क्वेश्चन पूछा जाता है, यानी कि 6 से 7 साल लगातार क्वेश्चन पूछा गया है। पिछले 10 साल की अगर मैं बात करूँ तो ये आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट बन जाता है। आपको सभी को इस वीडियो को स्टार्टिंग से लेकर लास्ट तक देखना है, सारी चीज़ें आपको क्लियर होती चलेंगी, जैसे कि आप सभी को पिछली वीडियोज़ में क्लियर होती चलती है। तो आज हम करते हैं स्टार्ट GP को। ओके गाइस, करते हैं स्टार्ट। देखिएगा गाइस, सबसे पहले मैं आपको एक बात समझाना चाहता हूँ कि GP क्या होती है। लास्ट वीडियो के अंदर मैंने बहुत अच्छे से आपको जो है क्लियर किया था कि GP क्या होती है, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन क्या होती है। आप सभी को पता है कि ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन क्या होती है, कि जो नेक्स्ट टर्म होती है ना, नेक्स्ट टर्म को पिछली वाली टर्म से अगर आप डिवाइड करते हो, नेक्स्ट टर्म को पिछली वाली टर्म से अगर आप डिवाइड करते हो, प्रीवियस टर्म से डिवाइड करते हो, तो जो बार बार डिवाइड करने से नेक्स्ट प्रीवियस जो आपके पास में कॉमन रेशियो बनता है, दिस इज कॉमन रेशियो अगर बनता है, तब आपके पास में क्या होता है, GP का निर्माण होता है, यानी कि GP के अंदर वो टर्म्स होती है। अगर वो कॉमन रेशियो नहीं बनता तो वो GP में नहीं है। याद रखने की बात ये है, अगर वो कॉमन रेशियो के अंदर बार बार आता है तो वो GP का ही पार्ट है, और इसमें काफ़ी सारे क्वेश्चंस, काफ़ी सारे टाइप्स जो है आपसे पूछ लिए जाते हैं, जैसे कि आज हम करने वाले हैं काफ़ी सारे टाइप्स, किस किस टाइप के अंदर वो आपसे पूछ सकता है। आपको लगेगा कि सर ये GP में नहीं है, उसके बावजूद भी आप उसको GP से सोल्व कर रहे हो, है ना। तो आपको GP में बनाना है, वो दिया GP के अंदर है, लेकिन आपका जो है ना माइंड उलझाने के लिए उसने ऐसा क्वेश्चन बना के दे दिया कि आप वहां पर अटक जाओ। तो आपको बिल्कुल भी नहीं अटकना है, अगर आपका GP का कॉन्सेप्ट क्लियर है तो क्वेश्चन आराम से क्लियर हो जाएगा, अदरवाइज क्वेश्चन करने में बहुत ज्यादा प्रॉब्लम आती है। तो चलिएगा गाइस, आज मैं आपको बताने की कोशिश करूंगा कि GP के अंदर, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन के अंदर हम सम कैसे करते हैं, उसकी हम बात करने की कोशिश करते हैं। जैसे कि मेरे पास में यहां पर दिया जाता है, मैंने लिख दिया यहां पर एग्जाम्पल के तौर पर 1+2+4+8+16+ 32+ एंड दिस इज सो ऑन टू nth टर्म, और ये nth टर्म तक आपको दे दिया जाता है। कहाँ तक है ये nth टर्म तक आपको दे दिया जाता है, ये nth टर्म तक आपको जो है ना दे दिया जाता है। अगर आपके पास में कभी भी ऐसी संख्याएं आ जाती है, कि अगर आपके पास में कभी भी ऐसी टर्म्स का फॉर्मेट GP में बनता है, और मैंने बताया कि कैसे बनता है गाइज, सबसे पहले तो मैंने आपको पिछली वीडियो में यही क्लियर किया था, जब हम GP स्टार्ट करने पर बिल्कुल स्टार्ट किया था तो हमने ये चीज़ें क्लियर की थी कि हम GP में कैसे पहचानते हैं कि GP में है। मैंने आपको बताया था कि जो नेक्स्ट वाली टर्म होती है, कि अगर ये वाली टर्म है ना, तो इस वाली टर्म से आप डिवाइड करोगे, यानी कि 2/1, उसके बाद में आपने क्या किया, नेक्स्ट टर्म को पिछली वाली टर्म से, यानी कि 4/2, और उसके बाद में 8/2 क्या कर दिया आपने, 4, और ऐसे ही करके 16/8। तो देखिएगा, अगर आप ऐसे करके देख रहे हो ना, तो सभी के अंदर एक कॉमन रेशियो का निर्माण हो रहा है ना, और रेशियो हमेशा कटने वाली चीजें होती है ना, जो लास्ट में जो बिल्कुल छोटे वाला नंबर जो बचता है ना, वो रेशो होता है ना। तो कह रहे हैं कि जो कॉमन रेशो बनेगा, यानी कि यहां से अगर आप काटोगे तो 2 पे कट रहा है, यहां से काटोगे तो ये भी 2 पे कट रहा है ना, और यहां से काटोगे तो ये भी 2 पे, और यहां से काटते हो तो ये भी आपका 2 पे कटता है। कि अगर आपका यहां पर 2, 2, 2 यानी कि कॉमन रेशो बनता है, इट मीन कि ये किसमें है आपका, ये GP के अंदर है आपका, ठीक है ना। लास्ट टाइम हमने आपको एक फॉर्मूला बताया था, A into R
कि पावर एन माइनस वन जो कि लास्ट टर्म निकालने के लिए होता था, है ना, जो कि लास्ट टर्म निकालने के लिए था। लेकिन आज जो हम बात कर रहे हैं ना, वो हम बात करने की कोशिश कर रहे हैं सम की, है ना। ये कह रहे हैं कि अगर मेरे पास में कभी भी उसके अंदर, ठीक है ना, अगर मेरे पास में ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन का फॉर्मेट कभी भी आता है और उन सभी टर्म्स को मुझे जोड़ना पड़ता है तो मेरे पास क्या फॉर्मूला होता है। गाइस सभी बच्चे मेरे साथ बोलने की कोशिश करेंगे कि फॉर्मूला क्या होता है। ये कह रहा है कि ए, आप मेरे साथ बोलोगे और लिखोगे भी, ये कह रहा है कि सबसे पहले मेरे पास में होता है ए, उसके बाद में मेरे पास में अंदर क्या होता है आर की पावर एन माइनस वन, और उसके बटा में ही मेरे पास में क्या होता है आर माइनस वन, ठीक है ना। ये मेरे पास में जो है निकल कर आता है। सभी को समझ में आया अच्छे से, क्लियर है कि नहीं क्लियर है। एक बार और बात करता हूं मैं, क्या मैंने बताने की कोशिश की है। ये कह रहा है कि जब भी मेरे पास में कभी ऐसे टर्म्स आती है 1, 2, 4, 8, 16, 32 या कभी भी जीपी के अंदर, जीपी फॉर्मेट के अंदर मेरे पास में ऐसी टर्म्स बनती हैं, तो इसका मतलब क्या होता है कि भाई इस वाली टर्म का या तो लास्ट वाला नंबर हमसे पूछ सकता है, ठीक है ना, या फिर हमसे पूछ सकता है कि जितने भी टर्म्स लिखे हैं, हो सकता है कि 10 टर्म्स तक का मुझसे क्या पूछ ले, सम पूछ ले, हो सकता है कि 20 टर्म्स तक का मुझसे क्या पूछ ले, सम पूछ ले, हो सकता है कि 20वीं टर्म पूछ ले, या हो सकता है कि 10वीं टर्म पूछ ले, बस इससे ज्यादा तो ये पूछेगा नहीं कुछ भी, है ना। और इसी के अंदर आपको जो है क्वेश्चन के अंदर घुमाता रहता है। अगर ये कॉन्सेप्ट क्लियर है तो सारी चीजें क्लियर होती चली जाएंगी आपकी, कोई दिक्कत वाली बात है नहीं, ठीक है ना। जैसे कि मैंने आपको लास्ट टाइम भी एक चीज बताई थी, क्या चीज बताई थी मैंने आपको लास्ट टाइम, कि कभी भी आपके पास में अगर जीपी का फॉर्मेट आता है, कभी भी आपके पास में क्या आता है जीपी आता है, तो उसमें क्या रहता है आपका जीपी के अंदर, अगर आपको लास्ट टर्म निकालनी है तो उसका भी मैंने बताया था, ये सम का बताया है मैंने। लेकिन जब भी मेरे पास में कभी भी लास्ट टर्म अगर पूछ लेता है, क्या पूछ लेता है लास्ट टर्म, ठीक है ना, लास्ट टर्म अगर वो पूछ लेता तो क्या बनता है मेरे पास में, वो मेरे पास में होती है ए आर की, ठीक है ना, क्या बोलती है वो, क्या बनती है मेरे पास में ए आर की एन माइनस वन, ये मेरे पास में बनती है, ठीक है ना। एक तो ये फॉर्मूला आपके पास में होता है जो कि सम का आपके पास में फॉर्मूला होता है, एक आपके पास में ये फॉर्मूला होता है जो कि आपके पास में लास्ट टर्म निकालने का फॉर्मूला होता है। इसके ऊपर हमने बहुत अच्छे तरीके से लास्ट टाइम बात की थी, काफी अच्छे क्वेश्चंस किए थे, ऑप्शंस की हेल्प से कैसे हम क्वेश्चंस को सोल्व कर सकते हैं वो हमने करके देखा था। आज जो हम बात करेंगे, आज हम सम के ऊपर बात करने वाले हैं, इसके अंदर भी काफी अच्छे अच्छे टाइप के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, तो वो हम बात करने की कोशिश करेंगे। बच्चों आपको ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन या हम बात कर सकते हैं गुणोत्तर श्रेणी से बहुत ज्यादा डर लगता होगा, लेकिन इतना बेसिक से इसको करने की कोशिश करेंगे कि आपका सारा का सारा डर जो है वो छू मंत्र हो जाए, ठीक है ना गाइस। चलेगा, अभी हमने बात करी, इसमें मैं दोबारा से एक बार बता देता हूं जो पिछली वीडियोस में मैंने बताया था कि ए का मतलब मेरे पास में क्या होता है। इसमें जो ए का मतलब रहता है वो मेरे पास में क्या होता है, फर्स्ट टर्म, क्या होता है मेरे पास में फर्स्ट टर्म मेरे पास में होता है, क्या होता है फर्स्ट टर्म मेरे पास में होता है। अगर मैं बात करूं यहां पर किसकी, आर की मैं बात करता हूं, तो आर मेरे पास में क्या होता है कॉमन टर्म, क्या होता है मेरे पास में कॉमन टर्म मेरे पास में होता है, ठीक है। उसके बाद अगर मैं बात करने की कोशिश करूं किसकी, और तो सारी चीजें इसमें, एन की अगर मैं बात करने की कोशिश करूं जैसे कि लास्ट टाइम भी मैंने बताया था, तो इसमें हमेशा क्या होता है नंबर ऑफ टर्म्स, नंबर ऑफ टर्म्स, ठीक है ना, नंबर ऑफ टर्म्स, यानी कि जब भी मैं बात करता हूं या फिर मैं बात कर लेता हूं किसी और की, नंबर ऑफ टर्म्स की बात कर ली, लास्ट टर्म की बात कर ली है, या किसी और चीज की मैं बात करूं, जैसे कि पिछले हमने बात करी थी एपी के अंदर, उसमें डी था यानी कि डिफरेंस था, लेकिन अब की बार उसकी जगह अगर मैं बात करूं तो मैं आर की बात करता हूं क्योंकि आर ने उसकी जगह ले ली है। इसके अलावा इसमें कुछ भी नया नहीं है, बस थोड़ा सा फॉर्मेट अलग कर दिया है। क्या फॉर्मेट अलग कर दिया है कि भाई ये मेरे पास में फॉर्मेट बना है और इस फॉर्मेट के ऊपर अभी काम करने की कोशिश करेंगे। काफ़ी सारी चीज़ें जो है ना इस फॉर्मेट में बार बार बदलेंगी, वो सारी की सारी चीज़ें मैं आपको बताने वाला हूँ कि कैसे कैसे जो है ये सारी चीज़ें भी बदलने वाली है। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है चैप्टर ये, आपका बिल्कुल बेसिक से सीखना जरूरी है गाइस। ये मैंने क्या किया है, ये आपका जो है ना कॉमन रेशो निकालने के लिए मैंने क्या है, क्या किया, ये मैंने कॉमन रेशो निकालने के लिए जो है मैंने ये प्रोसेस आपका किया है। कैसे कि भाई जो मेरे पास में, इसका मतलब क्या हुआ कि भाई जो मेरे पास में सेकंड टर्म है मेरे पास में, क्या है जो मेरे पास में सेकंड टर्म है ना, उसमें से क्या करना है डिवाइड करना है, उसको डिवाइड करना है किससे, इसको हमने फर्स्ट टर्म से जो है डिवाइड करना है, फर्स्ट टर्म से, ठीक है ना, किससे करना है फर्स्ट टर्म से जो है मुझे डिवाइड करना है, तो आपके पास में क्या है कॉमन रेशो निकल कर आ जाता है। क्या निकल कर आ जाता है, कॉमन रेशो निकल कर आ जाता है, जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट आपके लिए बनता है। अब गाइस इसमें हम क्वेश्चंस को स्टार्ट करने से पहले एक बार दोबारा से मैं आपको सारी चीजें क्लियर करवा देता हूँ क्या क्या चीजें होती है। ये कह रहे कि अगर मेरे पास में कभी जीपी के फॉर्मेट में अगर कभी भी ऐसी टर्म्स आ जाती है एनट तक, ठीक है ना, एनत नंबर तक मेरे पास में टर्म्स आती है, तो आपको पता लगा कॉमन रेशो निकालने का जो प्रोसेस होता है वो
क्या होता है कि जो जो आपकी नेक्स्ट टर्म होती है उसको प्रीवियस टर्म से आपको डिवाइड करना है, ठीक है ना, यानी कि सेकंड टर्म को फर्स्ट टर्म से डिवाइड करना है, ऐसा भी बोल सकते हो। तो आपके पास में कॉमन रेशो निकालनी आ जाती है। उसके बाद कह रहा है कि इसमें हमने जो लास्ट टर्म पढ़ा था ना, वो लास्ट टर्म पढ़ा था, ठीक है ना, वो हमने क्या पढ़ा था, लास्ट टर्म निकालना पड़ा था, जिसका फॉर्मूला बहुत अच्छे तरीके से हमने पढ़ा था कि ए इंटू आर की पावर एन माइनस वन मेरे पास में था। जो आज हम पढ़ने जा रहे हैं वो हम पढ़ने जा रहे हैं सम। तो सम का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, a इंटू में r की पावर n माइनस वन अपॉन में r माइनस वन होता है, ठीक है गाइज। और उसके बाद में मैंने आपको ये तीन चीजें बताई है कि a का मतलब यहाँ पे क्लियर दोबारा से मैंने कर दिया इस वीडियो के अंदर कि वो मेरा फर्स्ट टर्म होता है, r का मतलब जो होता है वो कॉमन टर्म होता है, n का जो मतलब होता है वो नंबर ऑफ टर्म्स होता है। बहुत ईजी तरीके से सारी की सारी जो बेसिक चीजें मैंने इस पर लिख दी है, अगर आपको नहीं समझ में आया तो एक बार दोबारा देखिएगा, फिर उसके बाद में आगे बढ़ने का कुछ बेनिफिट होगा आपको, ठीक है ना। तो चलिए गाइज अब मैं आपको बात करने की कोशिश करता हूं इसमें कि कैसे कैसे क्वेश्चंस यहां पूछे जा सकते हैं। बहुत इजी है, आराम से हम कर सकते हैं। चलिए गाइस इसमें कुछ भी ज्यादा नया ना करते हुए मैं आपको क्वेश्चन करना भी बताता हूं कि कैसे टाइप के क्वेश्चन इस फॉर्मूले के बेस पे पूछे जाते हैं और आपको कैसे उनका आंसर देना है। चलिए देखिए गाइस, अब की बार मैं आपको लिख देता हूं क्वेश्चन, कैसा क्वेश्चन बोलेगा ये मैं लिखने की कोशिश कर रहा हूं, ठीक है, आपको समझना है। देखिएगा मैं लिख रहा हूं आपको, वन प्लस टू प्लस फोर प्लस एट प्लस सिक्सटीन प्लस थर्टी टू प्लस एंड दिस इज सो ऑन। ये कह रहा है कि फाइंड द सम ऑफ 10 टर्म्स, फाइंड द सम ऑफ 10 टर्म्स, ठीक है ना। आपके पास में ये क्वेश्चन दे दिया जाता है कि इस वाले क्वेश्चन का आपको आंसर बताना है, क्या है, फाइंड द सम ऑफ 10 टर्म्स, फाइंड द सम ऑफ 10 टर्म्स, यानी कि ऐसे ही मेरे पास में फॉर्मेट दिया गया है। अब आपको देखना है कि जीपी के अंदर है कि एपी के अंदर है कि एचपी के अंदर है, उसके बाद में आपको जो है आंसर बताना है किसका, ऐसी 10 संख्याओं का, ऐसी 10 टर्म्स का जो है आपको मुझे आंसर बताना है, सम बताना है कि कितना बनेगा। तो गाइज मैंने बिल्कुल एग्जाम्पल के तौर पर आपको लास्ट टाइम क्लियर किया था, क्या क्लियर किया था कि जो आपके पास में बनता है फॉर्मूला वो कैसे बनता है, क्या बनता है। देखिएगा मैंने आपको बताया था कि जो इसका सम का फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, आप सभी को पता है कि क्या होता है, a इंटू में, ठीक है ना, क्या होता है, r की पावर n माइनस वन बाई क्या होता है, r माइनस वन होता है, होता है कि नहीं होता है। अब इतना अगर आपको अच्छे से क्लियर है तो कोई भी चीज आप क्लियर कर सकते हो। गाइज सबसे पहली बात मैंने बताया था कि a का मतलब क्या होता है, फर्स्ट टर्म होता है, तो a का मतलब फर्स्ट टर्म होता है, तो a का मतलब क्या है, एक है, तो मैंने यहां पे लिखवाने की कोशिश किया क्या, एक, ठीक है ना। उसके बाद में मैंने क्या किया, यहां पे अंदर डाल दिया r, r यहां पे मेरे पास में क्या बनेगा, मैंने बताया था कि नेक्स्ट टर्म को प्रीवियस टर्म से क्या करना है, डिवाइड करके देखना है, तो मेरे पास में कितना है, दो, ठीक है ना। आपका जो कॉमन रेशो आया है वो कितना आया, दो आया है, तो मैंने रखा दो। और उसके बाद में n की जो पावर, मतलब जो n की जो वैल्यू है वो कितनी है, ये कह रहा है कि एक से लेके ऐसे ऐसे करके ना मुझे 10 टर्म्स निकालनी है जो कि जीपी के अंदर है। तो 10 टर्म्स निकालने का मतलब है कि n मेरे पास में नंबर ऑफ टर्म्स यानी कि मेरे पास में 10 है, तो 2 की पावर कितनी कर दी मैंने, 10 कर दी और माइनस 1 कर दिया। और उसके बाद में क्या कर दिया, r कितना था मेरा, 2 था, तो 2 माइनस 1 कर दिया, ठीक है ना, 2 माइनस 1 मैंने कर दिया, तो आपके पास में ये आया। अब इसको आपने सोल्व करने की कोशिश की तो कितना आया, यहां पे अगर आप सोल्व करते हो तो आपके पास में निकल कर क्या आता है कि यहां पे 2 की पावर 10 कितना होता है। मैंने कल भी आपको बहुत अच्छे तरीके से समझाया था कि अगर आपको निकालना है तो कैसे निकाल सकते हैं, जैसे मैंने आपको बताया था, क्या बताया था कि 2 कर लिया, यानी कि आपने एक बार में ना 5 पावर को लिख लिया है, ठीक है ना, एक बार में 5 पावर को लिख लिया है और एक बार में 5 पावर को लिख लिया है, इधर भी आप जो है 2 की पावर 5 को लिख लो, ठीक है ना, यानी कि मल्टीप्लाई कर लो इसको, ठीक है, एक बार 2 की पावर 5 लिख लिया और एक बार 2 की पावर 5 लिख लिया, आपको पूरी 10 तक निकालने की जरूरत नहीं है, कभी आप यहां गिनो और अपना क्वेश्चन गलत करके आओ। 2 की पावर 5 निकालने का सबसे पहले हम देखते हैं कि कितना आता है, 2 दूनी 4
चार दुनी आठ, आठ दुनी सोलह, सोलह दुनी बत्तीस, कितना होता है? बत्तीस होता है। और यहां भी कितना आपका प्यो की पावर पांच? बत्तीस ही है। तो बत्तीस का अगर आप स्क्वायर निकालने की कोशिश करते हो तो कितना होता है? मैंने आपको सिखाया था कि दो दुनी चार, दो तिया छह, छह दुनी बारह का दो और एक हासिल, तीन तिया नौ और एक दस, यानी कि एक हजार चौबीस आपके पास में निकल कर आता है। कितना आता है? एक हजार चौबीस आपके पास में निकल कर आया। और एक हजार चौबीस में से एक माइनस किया तो कितना आया आपके पास में आंसर? एक हजार तेईस। ठीक है ना, नीचे तो वन बची गए, दो में से एक गया, तो आपके पास में जो आंसर आ गया 1023 आपके पास में आंसर आ गया। अगर क्लियर है बच्चों तो आगे बढ़ने की हम कोशिश करते हैं। इजी तरीके के अंदर हमने करने की कोशिश की, किस तरीके से हम कर सकते हैं आगे आगे देखिएगा कितना मजा आने वाला है, कितने अच्छे अच्छे क्वेश्चंस इसमें आने वाले हैं, बहुत मजा आने वाला है आपको। ठीक है ना, तो यहां पर अगर आपको क्लियर है तो कमेंट बॉक्स के अंदर लिखिएगा सर ये क्वेश्चन बिल्कुल अच्छे से क्लियर है, कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर है, उसके बाद में हम फिर आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं। एक क्वेश्चन और मैं करवाने की कोशिश करता हूं, उसके बाद में हम आगे बढ़ेंगे दूसरे क्वेश्चन के ऊपर। देखिए गाइस, मैं लिख देता हूं क्वेश्चन नेक्स्ट वाला। तीन लिख दिया मैंने क्वेश्चन, समझो तीन छः बारह चौबीस एंड दिस इज सो ऑन टू, दिस इज सो ऑन टू, ठीक है ना, दिस इज सो ऑन टू। ठीक है, ये कह रहा है कि मुझे जो निकालना है फाइंड द सम ऑफ टेन टर्म्स, यहां भी आपको जो है फाइंड द सम ऑफ टेन टर्म्स, फाइंड द सम ऑफ टेन टर्म्स, ठीक है ना, फाइंड द सम ऑफ टेन टर्म्स। आपको यहां भी जो है दस संख्याओं का, आपको यहां भी जो है ना दस संख्याओं का जो है क्या निकालना है, आपको यहां भी 10 संख्याओं का जो है सम निकालना है, यहां भी 10 संख्याओं का सम निकालना है। सबसे पहले आपको गाइस क्या नोटिस करना है एग्जामिनेशन के अंदर कि ये जो है किस में है, किस फॉर्मेट में है, क्या ये जीपी के अंदर है, क्या ये एपी के अंदर है, क्या ये एचपी के अंदर है। ठीक है ना, हम एचपी की बात भी करेंगे यहां पर, बिल्कुल करेंगे। तो गाइस आपको पता लगा कि अगर मुझे पता लगाना है कि ये जीपी के अंदर है, ऋणात्मक श्रेणी के अंदर है, तो कैसे लगाएंगे कि जो नेक्स्ट टर्म होती है उसमें से क्या करेंगे, पिछली वाली टर्म को उसको भाग दे देंगे। तो मैंने क्या किया, कर दिया कॉमन रेशो निकालने के लिए, मैंने क्या कर दिया यहां पर आर निकालने के लिए छह बटा मैंने क्या कर दिया तीन कर दिया, तो आपके पास में कितना आया यहां पर, ये दो आया। कितना यहां पर कॉमन रेशो आपका कितना आया, दो आ गया। ठीक है ना, कितना आ गया, दो आ गया। अब आपके पास में फॉर्मूला होता है, मैं फॉर्मूला एक बार और लिखने की जो है कोशिश करता हूं यहां पे कि मेरे पास में फॉर्मूला क्या होता है, मेरे पास में फॉर्मूला होता है ए, उसके बाद में क्या होता है आर की पावर एन माइनस वन, ठीक है ना, और बट्टा में क्या होता है आर माइनस में वन, ये फॉर्मूला होता है कि नहीं होता है। अब उसके बाद में जैसे आपको पता लगा कि ये फॉर्मूला होता है तो आपने सोल्व करने की कोशिश की, तो जैसे आपने सोल्व किया तो मेरे पास में ए कितना है, अब की बात तीन है, और उसके बाद में जो आर है मेरा कितना है, दो है, तो दो की पावर कितनी, यानी कि दस टर्म्स मुझे निकालनी है, तो इसका मतलब है कि दो की पावर दस माइनस वन और बटा में क्या है, यानी कि आर माइनस वन और आर आपका दो है, तो दो माइनस वन मैंने यहां पे करवा दिया। तो आपके पास में जो आंसर निकल के आया कितना आया, तीन गुना में दो की पावर दस, अभी अभी हम करके आए हैं कि दो की पावर दस कितना होता है, एक हजार चौबीस, और एक हजार चौबीस माइनस वन आपके पास में कितना आया, और बटा में दो माइनस वन, है ना, वही चीज है। तो आपने क्या किया कि तीन गुना में एक हजार तेईस आपके पास में आया है, इसका मतलब है कि यहां पे आपका तीन हजार उनहत्तर, ठीक है ना, कितना आ गया आपके पास में आंसर, तीन हजार उनहत्तर आपका जो है आंसर आ जाता है। ठीक है ना, कोई दिक्कत है तो बताइए गाइस, नहीं तो फिर आगे बढ़ते हैं। क्लियर है चीज, इजी वे के अंदर क्लियर है, आगे बढ़े चलेगा, आगे देखते हैं आगे कैसा क्वेश्चन हमसे पूछ लिया जाता है। चलेगा, अब की बार ये क्वेश्चन जो बोल रहा है आपको, एक
प्लस एक एक प्लस एक 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 प्लस एक 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 प्लस एंड दिस इज सो ऑन टू प्लस एन एट टर्म. ठीक है ना. फाइंड द एन एट टर्म, फाइंड द सम ऑफ एन एट टर्म, फाइंड द सम ऑफ, फाइंड द सम ऑफ एन एट टर्म्स, फाइंड द सम ऑफ एन एट टर्म्स. आपके पास ये सारी चीजें जो है पूछ ली जाती है, आपके पास ये सारी चीजें क्या है पूछ ली जाती है. क्वेश्चन में क्या दे दिया जाता है, ये सारी चीजें आपसे जो दी जाती है और पूछ ली भी जाती है. ठीक है ना. ये आपको दे दिया जाता है कि ऐसा क्वेश्चन आपके पास में है, एक प्लस, ग्यारह प्लस, 111 प्लस. ठीक है ना. इस तरीके से आपको दे दिया और एनट टर्म तक का जो है आपसे क्या पूछ लिया गया है, यहां पर ये सम पूछ लिया गया है. क्या पूछ लिया गया है, सम पूछ लिया गया है. तो गाइज मैंने लास्ट टाइम आपको बिल्कुल बेसिक से एक चीज बताई थी, ऐसा ही क्वेश्चन कैसे करना है, लेकिन वो लास्ट टर्म निकालने के लिए, एनट टर्म निकालने के लिए था. लेकिन अब की बार जो है वो क्या बताया जा रहा है, अब की बार जो बताया जा रहा है ना वो आपको सम पूछा जा रहा है. अब की बार आपसे क्या पूछा जा रहा है, सम पूछा जा रहा है. तो हम बताने की आपको कोशिश करते हैं बेसिक से सबसे पहले. तो देखिए गाइस, मैंने आपको बताया था कि जब भी कभी ऐसे टाइप का क्वेश्चन आ जाए तो करना क्या होता है, बिल्कुल आसान तरीके से भी करेंगे लेकिन पहले बेसिक से समझना बहुत ज़्यादा जरूरी है. अगर हमें बेसिक से क्लियर है तो वो आराम से वो मेथड लगा सकते हैं, अदरवाइज वो मेथड लगाने में भी हमें प्रॉब्लम आ सकती है. ठीक है ना. तो देखिएगा कैसे हम करते हैं, फटाफट देखते हैं बेसिक से कैसे करते हैं. मैंने क्या बोला कि इसकी 9 से तो मल्टीप्लाई और 9 से ही इसको मैंने क्या करवा दिया, डिवाइड करवा दिया. क्या करवा दिया, 9 से ही मल्टीप्लाई और 9 से ही इसको क्या करवा दिया, डिवाइड करवा दिया. और अंदर मेरे पास में क्या है, 1 प्लस 1 1 प्लस 1 1 1 प्लस 1 1 1 1 प्लस एंड दिस इज सो ऑन टू एन एट टर्म तक मेरे पास में है. ठीक है, इस तरीके से है. उसके बाद में आपने क्या किया यहाँ पे, उसके बाद में आपने यहाँ पे क्या कर दिया कि जो आपके पास में 9 है ना, अंदर मल्टीप्लाई कर दी तो बाहर क्या रह गया आपका, 1/9. और यहाँ पे क्या रह गया, 9 प्लस 9 9 प्लस 9 9 9 प्लस 9 9 9 9 प्लस दिस इज सो ऑन टू एन एट टर्म तक मेरे पास में हो जाता है. ठीक है ना, ऐसे मैंने कर दिया. अब गाइज अब क्या करना है, अब वही चीज जो लास्ट में मैंने आपको पिछली वीडियो के अंदर बताई थी कि 1/9 मेरे पास में है, उसके बाद में 10 माइनस में 1 लिख सकता हूं मैं. ठीक है ना, उसके बाद में प्लस में 100 माइनस में 1, या फिर मैं कह सकता हूं गाइज 100 का मतलब क्या होता है, 10 का स्केयर. मेरे पास में क्या होता है, 10 का स्केयर मैं कर सकता हूं. फिर मैंने क्या कर दिया, एक स्टेप में घटा रहा हूं यहीं पर. ठीक है ना, अभी 999 आपके पास में है तो क्या लिख सकते हो, 1000 माइनस में 1, और 1000 का मतलब होता है 10 की क्यूब माइनस में 1. ठीक है ना, उसके बाद में प्लस ऐसे ही करके 10 की 4 माइनस में 1, इस तरीके से आप कर सकते हो सो ऑन तक. ठीक है ना, एनट टर्म तक आप कर सकते हो, जहां तक भी आपको निकालने की कोशिश है. ठीक है, उसके बाद क्या करना है गाइस, अब यहां पे आपको जो है बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है समझना क्या है, ये चीज आपको देखनी है. अभी आपने क्या किया, सबसे पहले हमें ये बात देखनी कि अभी आपने क्या किया, अभी आपने ये चीज देखी कि यहां पे जो मेरे पास में बन रहा है ये एपी, ये मेरे पास में क्या बन रहा है, जेपी बन रहा है. ठीक है ना, क्या बन रहा है मेरे पास में, जेपी बन रहा है, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन की श्रेणी मेरे पास में बन रही है. कैसे, अब देखिएगा यहां पे कह रहा है कि 10 है, यहां पे कह रहा है कि 10 का स्केयर है, यहां पे कह रहा है कि 10 का क्यूब है, यहां पे 10 की 4 है. अब देखिएगा कैसे बन रहा है गाइज, यहां पे अगर 10 है और यहां पे अगर 10 का स्केयर है, अगर यहां पे 10 का क्यूब है, तो देखिएगा कैसे मेरे पास में जीपी के अंदर ये बनता है. ये जो नेक्स्ट टर्म है उसको प्रीवियस टर्म से आपको डिवाइड करना है. तो ये कितनी है मेरे पास में, 10 का स्केयर कितना होता है, 100 होता है, और 10 से डिवाइड करते हो तो मेरे पास में कितना आता है, 10 बचता है. उसके बाद में 10 का क्यूब है जो कि 1000 आपके पास में होता है, और 10 का स्केयर कितना है मेरे पास में, 10 का स्केयर का मतलब होता है 100. तो जैसे मैंने 100 से काटा तो ये भी 10 आ रहा है, ये भी 10 आ रहा है, क्योंकि 10 है मेरे पास में, तो ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन का ही ये पार्ट बन जाता है. अब ये मैंने क्या बोला कि भाई 10 10 10 10 जो मेरे पास में आ रहा है वो कॉमन रेशो आ रहा है. क्या आ रहा है मेरे पास में, कॉमन रेशो आ रहा है. तो आपने कुछ नहीं किया, आपने डायरेक्ट यहां पे वही मेथड यूज किया जो हमने लास्ट टाइम सीखा था. क्या सीखा था हमने, वही चीज मैं आपको करवाने की कोशिश कर रहा हूं कि जो लास्ट हमने किया था वो क्या किया था, 1/9 देखो, इसके साथ भी है, इसके साथ भी है, इसके साथ भी है, और इसके साथ भी है. सभी के साथ में क्या है, 1/9 है, है ना, इसके साथ भी है, इसके साथ भी है, इसके साथ भी है, इसके साथ भी है, सभी के साथ में. जैसे कि आपने 9 को सभी के साथ मल्टीप्लाई किया था अंदर, तो ऐसे ही 1/9 जो है ना वो सभी के साथ में है. अगर आपने सभी से मल्टीप्लाई किया है तो सभी से डिवाइड भी तो करोगे ना. ये 1/9 आपने क्या रखा, ऐसे के ऐसे रखा, 1/9 आपने ऐसे के ऐसे रख दिया. अब 1/9 जैसे आपने रखा
तो आपको समझ में क्या आया कि भाई मेरे पास में जो है ना ये टर्म किसके अंदर बन रही है, जीपी के अंदर बन रही है। और जीपी का आपने फॉर्मूला भी पढ़ा है, जीपी का जो है आपने क्या पढ़ा है, फॉर्मूला भी अच्छे से क्लियर किया है कि क्या मेरे पास में जीपी का फॉर्मूला होता है। क्या प्यारे बच्चों मुझे बताओगे कि जीपी का फॉर्मूला क्या होता है, सभी जीपी का फॉर्मूला मुझे बता दो कि यहां करने से पहले क्या होता है। मेरे पास में होता है a इंटू में r की पावर n माइनस वन, ठीक है ना, और बटा में क्या होता है r माइनस में वन। आपके पास में छोटा सा फॉर्मूला होता है और इस फॉर्मूले के बेस पे ही हमने जो है क्वेश्चन को सोल्व करना है। तो मैंने करवाने की कोशिश की कैसे, यहां पे एक बटा नो सभी के साथ था, एक बटा नो मैंने डाल दिया, उसके बाद ब्रैकेट डाली और ये वाला फॉर्मूला लगा दिया। ए अब की बार आपका कितना है, 10 है ना, ए यानी कि ए आपका कितना है 10 है, इंटू में आपके पास में क्या है, इंटू में आपके पास में आर, आर की वैल्यू जो है आपकी कितनी है, आर की वैल्यू आपकी कितनी है, यहाँ पे आपको ये देखना है कि आर की वैल्यू मेरे पास में कितनी है, 10। मैंने अभी निकाल के दिखाया था ना कि 10 है, 10 का स्केयर है, 10 की क्यूब है, 10 की 4 है, तो आर की वैल्यू आपके पास में 10 है, ठीक है ना। और कितनी टर्म्स निकालनी है आपको, एन टर्म्स तक का जो है आपको सम निकालना है। कहां तक का निकालना है सम आपको, एन टर्म तक का आपको जो है सम निकालना है। तो आपने क्या किया, एन टर्म तक का ही आपने कर दिया। उसके बाद में देखिएगा माइनस में क्या होता है, यहां पे 1 होता है तो मैंने 1 लगाया, माइनस में क्या होता है 1 तो मैंने 1 लगाया। उसके बाद में गाइज बटा में मेरे पास में आर माइनस 1 होता है, क्या होता है आर माइनस 1 होता है। आर यहां पे जो आपका आया है कितना आया है, 10 आया है, क्योंकि 100 को जब 10 से डिवाइड करोगे, 1000 को जब 100 से डिवाइड करोगे तो आपके पास 10 आता है, तो 10 में से एक गया मेरे पास में 9, ठीक है ना, 10 में से एक गया 9, क्योंकि ये फॉर्मूला होता ना r माइनस 1, तो मैंने कर दिया। अब उसके बाद में माइनस क्या करना है, हमें माइनस भी तो करना है गाइस, क्या माइनस करना है, माइनस ये करना है कि माइनस 1 माइनस 1 माइनस 1 माइनस 1 सभी के अंदर माइनस 1 हो रहा है, और कहां तक हो रहा है, n टर्म तक, है ना। लास्ट से लास्ट वीडियो के अंदर इनकी मेरे ख्याल से 7वीं 8वीं वीडियो के अंदर मैंने अच्छे से क्लियर किया है, दो दो तीन तीन वीडियो के अंदर यही चीज बार बार कि भाई एक 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 अगर तीन बार होता तो इसका मतलब ये तीन लिखा जाता है ना, माइनस का तीन, लेकिन ये तो एन टर्म तक है, यानी कि एन बार है, तो इसलिए मैंने क्या कर दिया, यहां पे डायरेक्ट एन लिखवा दिया, क्या लिखवा दिया, एन मैंने लिखवा दिया, तो इसलिए मेरा आंसर क्या बन गया, ये बन गया। तो आपका जो आंसर आया है वो क्या आया है, 1/9 इंटू में 10 इंटू 10 की पावर n माइनस 1/9 माइनस n, आपका आंसर ये आ गया। कोई दिक्कत है तो मुझे बता सकता है, अदरवाइज हम आगे बढ़ने के लिए रेडी है। क्लियर है चीज, पक्का क्लियर है कैसे हमें क्वेश्चन करना है, अगर ये क्वेश्चन आ जाता तो बेसिक से कैसे करना है। बेसिक से मैंने आपको बहुत अच्छे से समझाया, इस फॉर्मूले के बेस पे मैंने आपको बिल्कुल अच्छे से क्लियर करवा दिया कि कैसे हम क्वेश्चन को कर सकते हैं। अगर मेरे पास में ऐसा क्वेश्चन आ जाता है तो हमें कैसे सोल्व करना है। प्यारे बच्चों डरने की बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं है, अभी जो है ना मैं आपको इससे भी आसान तरीके से इस वाले क्वेश्चन को सोल्व करवाने वाला हूँ, तो बिल्कुल भी घबराने की जरूरत नहीं है कि क्या सर एग्जामिनेशन के अंदर क्या हम ऐसे ही करेंगे, बिल्कुल भी नहीं करेंगे, हम ऑप्शन की हेल्प से हम जो है इस क्वेश्चन को जो है सोल्व करने वाले हैं। तो बस आपको अच्छे तरीके से सीखना है बेसिक, उसके बाद में आपको जो है डायरेक्ट उड़ाना भी है। तो अभी हम देखते हैं कि क्या हमने ये जो सीखा है यहाँ पे हमारा इसमें कोई दम है, इसको उड़ा सकते हैं इस क्वेश्चन में या नहीं उड़ा सकते, क्या ये इजी क्वेश्चन है या नहीं है, तो सारी चीजें हम देखने की कोशिश करते हैं, उसके बाद में हम आगे बढ़ेंगे। तो देखिएगा इसमें हम आपको अगर ऑप्शन की हेल्प से अगर मैं करवाने की कोशिश करूं तो मैं बिल्कुल करवाने की कोशिश करता हूं आपको कि कैसे करते हैं। गाइज आप यहां पर देखिएगा, अब मैं क्या सिखाने की कोशिश कर रहा हूं आपको, ऑप्शन की हेल्प से इस क्वेश्चन को सोल्व करवाने की मैं कोशिश कर रहा हूं, आपको ध्यान से समझना है। ये वाला प्रोसेस आपने समझ लिया बहुत अच्छी बात है, ये nth टर्म तक है, ये nth टर्म तक है, ठीक है ना, ये nth टर्म तक मेरे पास में जो है टर्म्स जा रही है, उसके बाद में मेरे पास में जो फाइनल आंसर आता है यही आंसर मेरे पास में निकल कर आ रहा है। तो अब देखिएगा ऑप्शन की सहायता से कैसे हमें क्वेश्चन को सोल्व करना है। गाइज अब की बार हमें लास्ट टर्म निकालने वाली बात नहीं करनी, की बार जो बात कर रहे हैं ना वो सम की बात कर रहे हैं, फाइंड द सम ऑफ एन टर्म, यहां तक का मुझे जो है सम निकालने की बात चल रही है। तो जैसे मुझे पता लगा कि सम निकालना है तो मैंने एक बात की कि भाई मैंने एन की वैल्यू को ना मैंने एन की वैल्यू को कितना मान लिया, वन मान लिया, एन की वैल्यू को मैंने कितना मान लिया यहां पर वन मानने की कोशिश की कि भाई एन की वैल्यू जो है ना मेरी वन है, एन की वैल्यू कितनी मेरी
वन है। तो एन की वैल्यू जैसे मैंने वन मानी ना, तो मैंने क्या किया, इस ऑप्शन के अंदर मैंने एन की वैल्यू को रखवाया। अगर इस ऑप्शन के अंदर एन की वैल्यू वन रखवाने से अगर ये वाला आंसर आपका आ जाता है तो इसका मतलब है कि आंसर आपका ठीक है, इसका मतलब है कि आंसर आपका ठीक है। एग्जाम्पल के तौर पर अगर मैं आपको क्लियर करवाने की कोशिश की तो चलो करवा देते हैं। 1/9 मेरे पास में है, एन की वैल्यू को 1 माना है तो 10 ब्रैकेट में 10 गुना में 10 की पावर 1 कितना होता है, 10 होता है, और 10 में से 1 गया कितना है, 9 है, और बटा में क्या है, 9 है, माइनस में 1 है क्योंकि मैंने n की वैल्यू 1 मानी है। प्यारे बच्चों यहां से मैंने इसको काट दिया और 10 में से 1 गया तो मेरे पास में कितना रह गया, 9 रह गया, और 9 से अगर मैं इसको भी काट देता हूं तो मेरे पास में कितना बचता है, 1 बचता है। तो वही 1 मुझे जो है जरूरत थी, इसलिए मेरा आंसर कितना आ गया, यहां पे 1 है, 1 अगर माना है तो ये फर्स्ट वाली टर्म आपका आंसर आना चाहिए, अदरवाइज आपका क्वेश्चन का आंसर गलत हो जाएगा, ठीक है ना। अगर ये 1 आता है ना, जो फर्स्ट टर्म मेरे पास में आ रही है ना, अगर वही टर्म यहां पे आ रही है, यानी कि जो फर्स्ट टर्म है वही टर्म मेरे पास में यहां पर आ रही है, तो आंसर यानी कि वही ऑप्शन आपका ठीक है। एग्जाम्पल के तौर पर अगर आपने बोला कि सर हम 1 ना मान के 2 माने तो क्या होगा, बिल्कुल ठीक है प्यारे बच्चों। अगर मैंने यहां पर आपको बोल दिया कि मैंने 1 ना मान के आपका 2 मान लिया, क्या मान लिया, 2 मान लिया, तो मैं इसको भी सोल्व करके दिखा देता हूं। अब इसमें क्या आएगा, अब इसमें जो आएगा ना वो मैं बताता हूं, पहले क्लियर कर देता हूं। अब की बार जो है ना, अब की बार आपका जो आंसर आएगा वो ये और ये दोनों मिला के आएगा, यानी कि 11 और 1 कितना होता है, 12 होता है। 11 और 1 कितना होता है मेरे पास में, ये 12 होता है। 11 और 1 मेरे पास में कितना होता है, 12। तो आपके पास में अब की बार जो आंसर आएगा ना वो कितना आएगा आपके पास में, ये 1 और ये 11, ठीक है ना, ये 1 और ये 11 कितना है आपके पास में, 12, यानी कि 12 आंसर आएगा अगर आपने 2 माना है। अगर आप 3 मानोगे ना तो आपका आंसर कितना आएगा, 1 ये, 11 ये, और 111 ये, ठीक है ना, 1 ये, 11 ये, और 111 ये, अगर 3 मानते हो। लेकिन अभी हम बात केवल 2 की कर रहे हैं ना, तो जैसे हम 2 को सोल्व करेंगे तो आपके दिमाग में बिल्कुल अच्छे से जो है ये क्वेश्चन का आंसर या फिर ऐसे वाला मेथड अच्छे तरीके से बैठ जाएगा। मैं करवाने की कोशिश करता हूं। ये कह रहा है कि 1/9, ठीक है ना, ब्रैकेट में ये 10 है, इनटू में 10 की पावर, यानी कि आपने जो n की पावर 2 मानी है ना, तो वही चीज 10 की पावर 2 माइनस 1, और आपके पास में ब्रैकेट बंद, और यहां पे क्या आ गया आपके पास में, ये 9 आ गया, ठीक है ना। अब देखिए गाइस, सॉरी, यहां पे जो है एक वो n की पावर, अभी n की वैल्यू आपने छोड़ दी, माइनस में n जो है मेरे पास में, माइनस में जो n है आपके पास में कितना है, यहां पर ये 2 आपने माना है, अब ब्रैकेट बंद कर दी। तो अब आपने अगर इसमें से इसको स्केयर किया, इसका स्केयर करते आपके पास में कितना आया, ये आपके पास में यहां पे लिख देता हूं गाइस, मैं ये कह रहा है कि 1/9 इनटू में कितना आया, 10 गुना में कितना, 99, ठीक है ना, और यहां पे आपके पास में कितना आया, इधर से माइनस में कितना, 2 आया, और ये बटा में 9 है, तो यहां से आपने काटा 11 पे, तो मेरे पास में कितना आया, 1/9 गुना में यहां पे 110 माइनस में 2, इसका मतलब है कि ये मेरे पास में 1/9 इंटू में 108 मेरे पास में आता है। अगर आप इसको काटते हो तो मेरे पास में 9 एकम 9 और 9 दुनी 18, यानी कि 12 मेरे पास में आता है। और क्या आपके पास में 1 और 11 12 होता है, क्या 1 और 11 12 होता है, कि अगर आपने n की वैल्यू को 2 मान लिया है तो आपके पास में आंसर 1 और 11 12 आना चाहिए। अगर आपने n की वैल्यू को 3 माना है तो आपके पास में आंसर 11 और 1 12, 12 और 11 मेरे पास में कितना होता है, 33, 133 मेरे पास में जो है आंसर आना, सॉरी, कितना आ जाएगा मेरे पास में, 11 और 12, 12 और 11 मेरे पास में कितना होता है, ये मेरे पास में 123 आंसर आ जाएगा, ठीक है ना। अगर 3 मानते हो तब की बात है ये, ठीक है ना, अगर आपने 2 माना है तो आपके पास में आंसर भी कितना आएगा, 12 आंसर आएगा, यानी कि 1 ये और 11 ये, यहां तक का आंसर आपके पास में आएगा। जैसे जैसे जो जो बातें आप मानते रहोगे वही तक आपका आंसर प्लस होकर बढ़ता रहेगा। तो आपके पास में अच्छे से क्लियर हुई या नहीं हुई ये चीज मुझे बता दीजिए, फिर उसके बाद में हम आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं कैसे कैसे क्वेश्चंस और पूछे जा सकते हैं। चलिए गाइस आगे बढ़ते हैं फटाफट से, आगे वाला एक क्वेश्चन और बोलता हूं मैं आपको, आप लोगों को बहुत अच्छे तरीके से जो है इसको सोल्व करना है।
चलिए देखते हैं आगे क्वेश्चन आपको बोला जा रहा है। 2 + 2 + 2 + 2 + 2 + दिस इज सो ऑन टू एन एटम। अभी कह रहा है फाइंड द शायद इतना ऊपर ये कह रहा है मेरे पास में फाइंड द सम ऑफ एन एटम, ठीक है ना, फॉर द सम ऑफ एन एटम। यहां तक जो है आपसे पूछा गया है, यहां तक आपसे पूछा गया है कि भाई ऐसा क्वेश्चन आपके पास में आ गया है, ये आपके पास में क्वेश्चन आ जाता है, ठीक है, और आपको इसका आंसर बताना है। अगर आप मुझसे बोलते हो कि सर ऑप्शन दे दीजिए तो मैं बिल्कुल दे देता हूं। लिखिए ऑप्शन, फर्स्ट ऑप्शन मैं आपको दे रहा हूं 1/9 इनटू में 10 इनटू में 10 की पावर n माइनस 1 बाई 9 माइनस n, एक ऑप्शन आपके पास में ये है। दूसरा ऑप्शन मैं आपके पास में देने की कोशिश करता हूं 3/7 10 गुना में 10 की पावर n माइनस 1 बटा में 9 माइनस n। तीसरा ऑप्शन मैं आपके पास में देने की कोशिश करता हूं 2/9 10 इंटू में 10 की पावर n माइनस 1 10 की पावर n बाई 9 माइनस n। अब मुझे बताइए कि आपका क्या आंसर यही है या आपका आंसर कुछ और है। इन तीनों में से आपको मुझे बताना है कि आपका आंसर क्या है, फिर हम बताने की कोशिश करते हैं कि आपका आंसर कैसे आएगा। गाइस ज़्यादा टाइम ना लेते हुए मैं आपका बिल्कुल करवाने की कोशिश करता हूँ। अगर आपको करके देखना है तो वीडियो को पॉज कर लेना और करके देख लेना। तो देखिए गाइस कैसे मैंने n की वैल्यू को 1 मानने की कोशिश की, सबसे पहले 1 मान लिया, ठीक है ना। अगर आप 2 मानना चाहते हो तो 2 भी मान सकते हो, लेकिन बशर्ते एक चीज याद रखनी है कि अगर 2 मानोगे तो 2 + 22 = 24 आपका आंसर आना जरूरी है। मैंने अभी n की वैल्यू को 1 माना है, तो n की वैल्यू 1 मानी है तो मेरा ये फर्स्ट वाला आंसर यानी कि 2 मेरा आना चाहिए। तो यानी कि जिस ऑप्शन से मेरा 2 आ रहा है वही ऑप्शन मेरा ठीक है। एग्जाम्पल के तौर पर मैंने इस वाले ऑप्शन को उठाया एन की वैल्यू पुट करने के लिए, तो 1/9 × 10 गुना में लिखवा दिया मैंने 10 गुना में 10 की पावर यानी कि 9/9 और उसके बाद में मैंने क्या करवा दिया माइनस में 1 करवा दिया, 9 से 9 कटा, ठीक है ना। और यहाँ पे मेरे पास में कितना आया 1/9, यहाँ पे भी मेरे पास में 9 बच जाता है अंदर और 9 से 9 कटा तो मेरे पास में 1 आता है। लेकिन ये 1 आया है, मुझे चाहिए कितना है 2 चाहिए, मुझे कितना चाहिए 2 चाहिए। इसका मतलब कि ये वाला ऑप्शन मेरा गलत हो जाता है, ये वाला ऑप्शन मेरा गलत हो जाता है। अब एक ऐसा ही सेकंड ऑप्शन उठाता हूँ, सेकंड को छोड़ के मैं थर्ड को उठाने की कोशिश करता हूँ, ठीक है ना। सेकंड को छोड़ के मैं थर्ड को उठाने की कोशिश करता हूँ कि क्या ये ठीक है क्या। मैंने ही उठाया 2/9 कर दिया, मैंने क्या कर दिया 2/9 कर दिया इंटू में मैंने क्या करवा दिया ब्रैकेट में मैंने अंदर क्या करवा दिया यहाँ पे मैंने करवा दिया कि 10 है मेरे पास में इंटू में मेरे पास में कितना है 10 की पावर n मैंने कितना माना 1 माना है ना, तो 10 में से 1 गया 9 और बटा में क्या है 9 है और माइनस में क्या है 1 है, तो यहाँ पे मैंने काटा। देखिएगा 9 से तो 9 कट गया और 10 में से 1 गया 9 रह जाता तो 9 से ये भी पूरा कट गया। इसका मतलब है कि मेरे पास में जो यहाँ पे बचता है वो कितना बचता है 2 बचता है। तो यहाँ पे अगर 2 बचता है और यहाँ से मुझे 2 चाहिए तो मेरे पास में आंसर कितना आ गया डायरेक्ट 2 आ गया। आया कि नहीं आया प्यारे बच्चों, मुझे जल्दी से बताइएगा। अगर आया है तो आगे बढ़ते हैं, चलिएगा आगे देखते हैं हम फटाफट से आगे कैसे क्वेश्चंस बोल आगे एक दो क्वेश्चन और बोलते हैं फिर उसके बाद में हम आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं। चलिएगा एक क्वेश्चन और देता हूं मैं आपको, जल्दी से देखिए निकालिएगा जल्दी से। ये कह रहा है मेरे पास में 5 5 5 ठीक है ना, प्लस में 5 5 5 5
प्लस में पाँच 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 प्लस में एंड दिस इज सो ऑन टू एन टर्म एंड फाइंड द सम ऑफ एन टर्म फाइंड द सम ऑफ एनथ टर्म्स ठीक है ना. फॉर द सम ऑफ एनथ टर्म्स आपके पास में ऐसा क्वेश्चन दे दिया. अब बताइए आंसर कितना आएगा. ऑप्शन लिख दूं मैं, चलिएगा ऑप्शन भी लिख देता हूं मैं. फर्स्ट ऑप्शन मैंने लिखा 10/9 ठीक है ना, 100. फिर उसके बाद मैंने लिखा 10^(n-1)/9-n. फर्स्ट ऑप्शन आपके पास में ये है. दूसरा ऑप्शन आपके पास में मैंने लिखा 5/9 10^(n-1)/9-n. आपके पास में दूसरा ऑप्शन ये है. तीसरा ऑप्शन आपके पास में आता है 1/3 10^(n-1)/9-n. अब मुझे आपको जल्दी से बताना है आंसर करके कि इस क्वेश्चन का आंसर मेरे पास में क्या होने वाला है. चलिए गाइस फटाफट से देख लेते. अगर आपने n की वैल्यू को क्या रख दिया, 1 रख दिया. अगर मैंने मान लिया आपने n की वैल्यू को क्या रख दिया, n की वैल्यू को आपने 1 रख दिया. प्यारे बच्चों अगर आपने n की वैल्यू को 1 रखने की कोशिश की तो आपके पास आंसर आना चाहिए 555. तो मैंने एक काम किया, सेकंड क्वेश्चन का जो सेकंड जो ऑप्शन है मैंने उसको ऑप्ट कर लिया. ये कह रहा है कि 5/9 इंटू में ब्रैकेट में क्या है, ये 1000 है और 1000 मैंने ऐसे कैसे लिखा. अब उसके बाद में कह रहा है कि फिर मेरे पास में क्या है, यहाँ पे 10^ कितनी मानी है, 1 मानी है. तो मेरे पास में होती है 9 और 9/9 माइनस में मेरे पास में कितना है, n है यानी कि 1 माना है मैंने. तो मेरे पास में 9 से तो 9 कटा और यहाँ पे मेरे पास में कितना है 999 यानी कि मेरे पास में 5 गुना में अगर मैं 999 1000 में से 1 गया तो 999 आएगा और 999 को 9 पे काटोगे तो मेरे पास में 111 आएगा. तो 111 को 5 से मल्टीप्लाई करोगे तो मेरे पास में 555 आएगा जो कि बिल्कुल यहाँ पे फर्स्ट वाला टर्म से मेरा रिलेटेड आ रहा है यानी कि इस वाले टर्म से रिलेटेड ये आंसर मेरा इस ऑप्शन से निकल के आ रहा है. तो इसका मतलब है कि मेरा जो है ना ये सेकंड ऑप्शन इज द राइट आंसर. सेकंड ऑप्शन इज द राइट आंसर. कोई दिक्कत है क्या, पक्का आगे बढ़े. देख लीजिए गाइज अगर आपको समझ में आ गया है तो आगे बढ़ने की कोशिश की जाती है, अदरवाइज तो फिर आपको थोड़ा सा दोबारा से इसको रिवाइज करने की जरूरत पड़ेगी. आपको सभी को समझ में आया है कि नहीं आया. अगर आया है तो बच्चों इसको जितना हो सके लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए क्योंकि आप सभी के लिए मेहनत की जा रही है. और मेहनत करना देखिएगा सभी को अच्छा लगता है, फ्री में कंटेंट दे रहे बहुत अच्छी बात है, लेकिन कहीं ना कहीं हमारे लिए भी एक जो है ना हौसला अफजाई होना बहुत ज़्यादा आवश्यक है. अगर आप लोग कमेंट करोगे, आप लोग बोलोगे कि हाँ भाई कि बहुत अच्छी पढ़ाई जो है चैनल पर की जा रही है, बहुत अच्छा कंटेंट हमें मिल रहा है, एक मेंस लेवल तक की जो है तैयारी करवाई जा रही है, तो उससे क्या है ना कि आप लोग जब ये सोच के कमेंट करते हो, ये सोच के अगर पढ़ते हो तो हमारा हौसला अफजाई ऑटोमेटिकली हो जाता है. ठीक है ना. तो गाइज इसलिए हम कहते हैं कि आप जितना ज़्यादा इसको शेयर कर सकते हैं शेयर कीजिएगा, लाइक कर सकते हैं लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों को चैनल के बारे में बताइएगा. बहुत मजा आने वाला है इन फ्यूचर में. जैसे जैसे हम सिलेबस में आगे की तरफ बढ़ेंगे तो काफ़ी सारी नई नई चीज़ें हम सीखने वाले हैं. तो आज के लिए इतना ही काफ़ी है, नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलते हैं. बहुत बहुत धन्यवाद.